आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है। इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है विभिन्नता, दूसरा है अनुवांशिकता, तीसरा है अनुवांशिक पुनर्योग और चौथा है जीन प्रारूप। तो आइए गाइस, हम देख लेते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे जनक होते हैं, जनक या इन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरेंट बोलते हैं, पिता माता, ठीक है, दोनों ही जनक होते हैं। इनसे जो लक्षण हमारे युग्मकों के द्वारा, किनके द्वारा, युग्मकों, युग्मकों मतलब गैमीट। जैसे कि देखिए, जब लैंगिक जनन होता है तो क्या होता है कि दो युग्मकों का निषेचन, उसके बाद ही आगे कोई संतति का निर्माण होता है। तो युग्मक हमारे क्या हो गए, जैसे नर युग्मक हो गया हमारा क्या, शुक्राणु, और मादा युग्मक हमारा क्या हो गया, अंडाणु। इस तरह से युग्मकों के माध्यम से, युग्मकों के द्वारा जो हमारे लक्षण होते हैं या गुण होते हैं, गुण या लक्षण, ये क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संचरित होते हैं। संचरित मतलब चलना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। तो इन्हीं को हम गाइस बोलते हैं क्या, अनुवांशिकता। क्या बोलेंगे, अनुवांशिकता, वांशिकता, क्या है ये, अनुवांशिकता कहा जाता है इसे। अब हम देख लेते हैं गाइज हमारे ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है क्या, विभिन्नता। तो विभिन्नता गाइज नहीं होता है विभिन्नता, बल्कि माता पिता के लक्षणों में अगर कोई परिवर्तन आ जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता बोलते हैं। ये हमारी वंशागति के नियमों में नहीं आता है, ये होगा नहीं। दूसरा हमें ऑप्शन दिया हुआ है अनुवांशिकता, तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। यहाँ पर देखिए इसे क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता ही बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि अनुवांशिक पुनर्योग। अनुवांशिक पुनर्योग ये होता है कि जैसे किसी पूर्वज का कोई लक्षण हमें संतति में देखने को मिले और फिर बाद में क्या हो जाए, चला जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एटाविज्म बोलते हैं, या इसी को बोलेंगे हम पुनरावृत्ति। क्या होता है, पुनरावृत्ति। तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। फोर्थ हमें दिया हुआ है जीन प्रारूप। जो हमें लक्षण प्राप्त होते हैं संततियों में, उसमें दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक लक्षण प्रारूप और एक जीन प्रारूप। तो क्या होते हैं, ये अनुवांशिक प्रारूप शो करता है या किसी भी जीव का क्या दिखाता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट करता है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये क्या करेगा, जीन की पोजिशन बनाता है, जीन या लक्षण, जीन के लक्षण को ही ये क्या करेगा, प्रकट करेगा। तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि करेक्ट है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।